नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रोमिता रीनू आपके साथ खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकाया, यूएई से आया थ्रेट कॉल। पप्पू यादव ने कहा था 2% का क्रिमिनल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को मिली धमकी। सलमान बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद पप्पू यादव ने कहा था 2% का क्रिमिनल। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्णिया के लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फोन पर दी धमकी। पप्पू यादव को संयुक्त अरब अमीरात के किसी नंबर से फोन करके यह धमकी दी गई है। गोपालगंज के मूल निवासी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दी गई धमकी। यूएई से आया थ्रेट कॉल, पप्पू यादव ने कहा था 2% का क्रिमिनल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकाया। इसी खबर को लेकर बिहार से हमारे सहयोगी रिपोर्टर विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आप बताइए, ये जो पप्पू यादव को धमकी मिली है, इसमें क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी मिली है। बता दें कि अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी मिली जाएगी, लेकिन अब कितना उसमें सच्चाई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली गई है या कोई और धमके दिए हैं। बता दें कि पप्पू यादव को भगाते जो ऑडियो कॉल आया व्हाट्सएप पे, और उसके बाद पप्पू यादव ने भगाते जो पूर्णिया में जो आईजी उनको लिखित पत्र लिखा, उसके साथ ही साथ बिहार के जो डीजीपी आलोक राज है उनको उन्होंने पत्र लिखा, उसके साथ ही साथ अब गृह मंत्रालय से उन्होंने सुरक्षा की बड़ी मांग की है। और अभी हम पप्पू यादव के उसी आवास के बाहर खड़े हैं पटना में, जहां पे पप्पू यादव रहते हैं पटना में, और पप्पू यादव का ये आवास मंदिर स्थित आवास है। यह आवास का आपको तस्वीर दिखाएंगे, और अंदर में जो सुरक्षा के दृष्टि से जो गार्ड जो रहते हैं वो पूछते हैं कि कौन किनको कहाँ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार के सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं है। जो आवास है मज जो इनकम टैक्स चौराहे से 2 किलोमीटर दूरी पे है मंदिर स्थित इनका आवास। ऐसे में लेकर जो पप्पू यादव जो बाबा सिद्दीकी की जिस प्रकार हत्या हुई उस समय से पप्पू यादव के विषय में कहा जा रहा है, पप्पू यादव ने ट्वीट किया था कि 2 कौड़ी के गैंग बताया था, उसके बाद ही कई शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उनको सीधे टारगेट पर लिया गया था। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो 1 करोड़ रुपया देकर 1 घंटे के लिए जैमर बंद करवा दिए जाते हैं, जहां से जेल में है, इसके विषय में वहीं से नेटवर्क पूरा चलता है। ऐसे में अब पप्पू यादव ने जो कल तक जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर खुली बात कह रहे थे, अब पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। और इसके बाद बीते दिनों वो बाबा सिद्दीकी के घर पे गए थे और उनके बेटे से मुलाकात किए थे, साथ ही साथ सलमान खान को से मुलाकात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन सलमान खान से मुलाकात उस समय नहीं हो पाए थे। उसके बाद पप्पू यादव जैसे ही लौटते हैं पटना, और पटना के बाद अभी झारखंड के चुनाव जो हो रहे, झारखंड में चुनाव में वहां प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचते हैं, उसके बाद उनको कॉल भरी मैसेज आता है, और उसके बाद अब पप्पू यादव है पूरी तरीके से डरे हुए सहमे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक दिन पेशी बुलाया था, उस समय लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जब उनसे सवाल किया गया था तो वो पूरी तरीके से भड़क उठे थे पत्रकारों के ऊपर। अब सीधे तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में पप्पू यादव आ गए हैं। देखना होगा कि गृह मंत्रालय को जो उन्होंने पत्र लिखा है, क्या गृह मंत्रालय उनको सुरक्षा बढ़ाती है या नहीं। जी लेकर क्या कुछ जानकारी है बताएंगे? उनके पास मात्र जो एक सांसद बनने के बाद जो सुरक्षा जो होता है, और सुरक्षा 4 उनके साथ बिहार पुलिस का जवान तैनात रहते हैं 4 लोग। ऐसे में उनकी अब केंद्र से गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षा की दृष्टि मिलना चाहिए, क्योंकि जो पप्पू यादव एक सांसद है, और सांसद के साथ साथ कह जाए तो कोई भी मामले में प्रखर तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। अब उनकी बात जो यहाँ तक पहुंची है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, अब सीधे तौर पे टारगेट में आ गए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के यहाँ तक अब जान से मारने की धमकी मिली है, तो कहीं ना कहीं अब जो डीजीपी और वहां के जो पूर्णिया के आईजी है उनसे गुहार लगा रहे, साथ ही साथ गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग की है, तो देखना होगा गृह मंत्रालय उनको सुरक्षा की मुहैया करवाती है या नहीं। जी जी, तो गृह मंत्रालय से कोई अभी तक सूचना नहीं मिली है उनके सुरक्षा को लेकर, या फिर अभी भी वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं?
बिल्कुल, गृह मंत्रालय को उन्होंने अभी तक पत्र लिखा है, पत्र का उधर से रिस्पांस नहीं आया है, और पत्र लिखने के बाद देखना होगा कि उधर से रिस्पांस क्या आता है, उनको कौन सा सुरक्षा दिया जाता है, अगर सुरक्षा भी दिया जाता है तो क्या पप्पू यादव जो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में खुली तौर पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया करते थे, और साथ ही साथ वो कई तरीके से कई मीडिया में भी उन्होंने इस तरीके की खबरें को कहा, उसके बाद वो जो है सीधे तौर पर टारगेट पे आ गए थे, अब ऐसे में पप्पू यादव को सुरक्षा अगर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाता है तो किस टर्म कंडीशन के अनुसार उनको गृह मंत्रालय सुरक्षा मुहैया करवाती है, यह देखना होगा। जी जी इस धमकी के बाद उनके आवास के बाहर कैसी हलचल है, मतलब वहाँ के लोगों में कैसी हलचल है लॉरेंस बिश्नोई की टीम की धमकी के बाद? जी बिल्कुल, ये पटना स्थित उनका आवास है, पटना स्थित आवास, इसी आवास में रहते हैं, 6th फ्लोर पे रहते हैं पप्पू यादव, और ऊपर में पहले उनकी पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, तो जन अधिकार पार्टी का यहीं से कारोबार वो चलाते थे, लेकिन पप्पू यादव इस वक्त अभी वो झारखंड में है और झारखंड चुनाव में बिजी है, ऐसे में लेकर पप्पू यादव को धमकी मिली है, कुछ है यहाँ पे उन लोगों से बात करें, पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कुछ कहेंगे हम, क्या उसके बारे में? पप्पू यादव कैसे नेता है? अच्छे है, भलाई करते हैं, ऐसे तो व्यक्तित्व उनका अच्छा है, धमकी दे रहा है मानने वाला को, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो जानते होंगे ना, उनके गैंग की ओर से इनको धमकी मिली है? नहीं नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बाबा सिद्दीकी को जानते हैं, मुंबई में जो मरा है, उन्हीं के गैंग के समय में उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसके बाद साफ तौर पे जो कह जाए तो कुछ लोगों को पता नहीं अंदर के, हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अंदर में क्या जो गार्ड गार्ड हो वहाँ पे गार्ड कितने लोग रहते हैं, और इसके साथ ही साथ जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो विषय में जो कहा जाता था, और ऐसे में पप्पू यादव को जो जान से मारने की धमकी मिली है, तो यहाँ पे कितना सुरक्षा है इसको लेकर भी हमें यहाँ से गार्ड ट्रेवल से बात करेंगे, यहाँ पे कोई लोग आते हैं तो उनको किस प्रकार जाने देते हैं ऊपर, उनसे जी की पूछताछ करके जाने देते हैं। अच्छा, पप्पू यादव के यहाँ जब आते हैं तो आप लोग से भी मिलते होंगे, तो कैसे विचार के नेता? विचार के तो बहुत है जी के, जी कोई भी गरीब हो अमीर हो किसी का किसी तरह का काम हो उनसे संभव जहाँ तलब बांधता है वहाँ तलब खुद है जी की कहते हैं कि हमको भी भेजिए, हम उनसे दुख सुनेंगे और दुख की समस्या जहाँ तलब बने हुए जहाँ पूरा करेंगे। महीना में लगभग कितने दिनों यहाँ रहते होंगे? महीना में इधर तो है जी की करीब 3-4 दिन आ रहे रह रहे हैं, अभी क्षेत्र में है जी की अपना देख रहे हैं जनता के है जी की घर पर जाकर गाँव पर जाकर के बाढ़ में रहे, यही सब है जी की मदद करे में लगे हैं। अच्छा, उनको जान से मारने की धमकी मिली है, इस खबर है आपको? पता तो नहीं है, लेकिन आज सुन रहे हैं आप ही बोल रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो बाबा सिद्दीकी जो हत्या हुई किया हुआ उनके बेटे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, आ गए थे जाके भेंट किए हैं, भेंट करके आए हैं, और उसी वजह से हो सकता है किसी तरह से कि किसी का जी के दुख भी होता है किसी का जी के अच्छा होता है, लेकिन गरीब के हित के लिए तो बहुत जी के अच्छे आदमी, गरीब के हित के लिए पप्पू यादव अच्छे आदमी है। अब पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्रालय से सुरक्षा की मांग की है, और पप्पू यादव पटना में अक्सर रहते हैं तो इसी आवास में रहते हैं पप्पू यादव जी। जी धन्यवाद विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।